हाँ जी बेटा, हम क्या करने के लग रहे थे कि आर्थ्रोपोडा में जो क्लासेज आती है, तीन हो चुकी, क्रस्टेशिया, चिलोपोडा और इसके अलावा डिप्लोपोडा। नेक्स्ट जो क्लास आती है, दिस वन इज नोन एज द इंसेक्टा। अगर इंसेक्टा की बात करेंगे, हेड, थोरेक्स और एब्डोमन है, एंटीने प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड आई रहती है, और अगर थ्योरेक्स की बात करेंगे तो तीन सेगमेंट रहते हैं विद थ्री पेयर ऑफ लेग्स, यानी कि हर सेगमेंट में एक पेयर लेग्स रहती हैं, और इसके अलावा इनकी बॉडी पे दो पेयर आपको विंग्स देखने को मिलते हैं। यूरिक एसिड इनका मेन एक्सक्रेटरी वेस्ट होता है। एग्जाम्पल आएगा सिल्वर फिश, कॉकरोच, बेड बग, लॉकस्ट, टर्माइट, बटरफ्लाई, रेड फ्ली जिसमें आ जाते हैं, बीटल्स, वास्प, एफिड और इसके अलावा सिल्क मॉथ। नेक्स्ट जो क्लास आती है, दिस वन इज नोन एज एरेक्निडा, सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमन, हेड, थोरेक्स और एब्डोमन। हेड के ऊपर सिंपल आईज रहती है, यानी कि इनका जो विजन है वो क्लियर होता है। सिक्स पेयर अपेंडेजिज प्रेजेंट हैं और इसके अलावा कोई एंटीने नहीं होते। स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक और माइट। ऑंकीफोरा जिसमें कि आ जाते हैं पेरिपेटस, और मैरोस्टोमेटा जिसमें कि हम एग्जांपल लेते हैं ल्यूम्यूलस का, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब इसकी हल्की सी डिस्क्रिप्शन करते हैं, ज्यादा नहीं तो कम से कम हमें मेन मेन तो पता ही होना चाहिए ना। देखो, पैलियोमोन विच इज नोन एज द प्रॉन, ये कई जगह इसको खाया भी जाता है ना। जब इस प्रॉन की हम बात करेंगे तो प्रॉन की बॉडी में बेटा गिल्स रहते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ध्यान से देखना, इसकी बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड रहती है, हेड है, थोरेक्स होता है और इसके अलावा एब्डोमन। अगर हम इसके ऊपर वाले हिस्से की बात करें, यहाँ पर 13 पेयर अपेंडेजिज प्रेजेंट होती है। कितनी? 13 पेयर। एब्डोमन के ऊपर 6 पेयर, यानी कि ऊपर सिर्फ सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ऊपर की साइड अपेंडेजिज, जिसकी हेल्प करती है इसकी फीडिंग में, स्विमिंग में और बैलेंसिंग में। क्लियर? इसके अलावा आपको इसकी बॉडी में एक टेलसन, सबसे लास्ट में ये वर्ड दिखाई दे रहा है, ये इसका पोस्टीरियर एंड का पार्ट होता है, और जो प्रॉन रहता है वो कैसे रहता है, एडिबल। क्लियर? अब जब हम आगे चलेंगे तो अब हम किसकी बात करते हैं, इस पेरिपेटस की, ये रहा, विच इज नोन एज द वॉकिंग वॉर्म। इस पेरिपेटस की एक खास बात होती है कि इसके अंदर जो करेक्टर रहते हैं वो एनालिड और आर्थ्रोपोड के होते हैं, इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक है। दैट मींस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दो अलग अलग ग्रुप को जोड़ता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी देखना बिल्कुल कीड़े की जैसी है ना, सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसकी बॉडी पे ऊपर की तरफ देखना, प्री एंटीना एंटीना प्रेजेंट होता है, और रेस्पिरेशन में जो चीज हेल्प करती है उसका नाम है ट्रेकिया। इसलिए इसको किसके अंदर रखा गया बेटा, आर्थ्रोपोड के अंदर रखा गया। क्लियर? उसके बाद ये डायग्राम देखो, विच इज नोन एज द ल्यूमिलस और द किंग क्रैब। किंग क्रैब की जब हम बात करेंगे, ये 190 मिलियन साल से चेंज हुआ ही नहीं है। ल्यूमिलस इज ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल किस लिए? क्योंकि ये पिछले 190 साल से एज इट इज है, जैसा था। एक्सक्रीशन में हेल्प करती है कोएक्सियल ग्लैंड्स, और इसकी बॉडी में रहते हैं बुक गिल्स, यानी कि गिल्स रहते हैं, लेकिन उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है बेटा, बुक के जैसी होती है, इसलिए हम उनको क्या नाम देते हैं, बुक गिल्स के नाम से। क्लियर? चलो, ये कई सारे क्या आ जाते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। ये सबसे पहला जो इंसेक्ट दिखाई दे रहा है, जानते हो ना, बेड बग, एक्टोपैरासाइट होता है, ठीक है, साइमेक्स के नाम से हम इसको जानते हैं। ह्यूमन के ब्लड को ये सक करता है, इसलिए इसको सेंगुइवोरस के नाम से जानते हैं। इसकी वजह से कई सारी डिजीज फैलती है, टाइफाइड वगैरह, प्लेग, काराजार, टीबी, फीवर, वो सब इसी के थ्रू ट्रांसफर होते हैं हमारी बॉडी में। क्लियर? इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैड बग।
वास्प तो सारे जानते हो ना, वास्प वगैरह, ये देखो ये बटरफ्लाई है, ग्रास होपर है, बटरफ्लाई कितनी सुंदर दिखाई देती है। डाईयूरनल, डाईयूरनल का मतलब होता है वो एनिमल जो कि शाम के टाइम पे घूमता है, ठीक है, रात को घूमता है। इसके जो लार्वा होते हैं वो कीड़े के जैसे होते हैं, और बटरफ्लाई के लार्वा को हम नाम देते हैं कैटरपिलर। कैसी होती है, कलरफुल होती है, लेकिन ये क्रॉप्स वगैरह गार्डन्स वगैरह को भी डैमेज पहुंचाती है। ये ग्रास ऊपर ग्रीन कलर का होता है, सारे जानते इसको, है ना। अगर हम ग्रास ऊपर की बात करें, ये अकेला रहने वाला इंसेक्ट रहता है, लीफ वेजिटेशन वगैरह को ये खाता रहता है। ह्यूमन लाउज, जुए सारों ने देख रखी होगी, है ना, ये भी एक्टो पैरासाइट है। आई जो इसकी रहती है बेटा, वो पुअरली डेवलप्ड होती है, विंग्स इसकी बॉडी में होते नहीं है, और जिस फीवर को ये फैलाता है उसका नाम है टाइफस फीवर। क्या नाम है उसका बेटा, टाइफस फीवर। इसके अलावा हमारे घरों में जो मक्खी घूमती है, जानते हैं ना, ये हाउस फ्लाई, अगर इस हाउस फ्लाई की हम बात करेंगे, ये होती है सैप्रोफेगस। सैप्रोफेगस का मतलब है बेटा, ये सिर्फ क्या करती है, फ्लूड वगैरह को लेती है, लेकिन कई सारी बीमारियां फैलाती हैं, डायरिया, डिसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस। क्लियर। ये मे फ्लाई है, एफिड्स वगैरह, वेस्पा, लेप्सम, ये लोकस्ट, लीफ होपर इसको बोलते हैं। ये होता है ग्रास होपर और ये होता है लीफ होपर। ये देखो इसके जो लास्ट ये विंग्स रहते हैं ना, इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है बेटा, विंग्स जो इनके रहते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं लीफ, कि जब इनकी बॉडी फोल्ड हो जाती है तो पता नहीं चलता कि वो लीफ बैठे हुए या कौन बैठे। क्लियर। यहां भी आपको कई सारे ये डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे, और ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दो मच्छर हैं, एक है क्यूलेक्स और दूसरा है एनोफिलीज। जो ये मच्छर है बेटा, ठीक है, जो ये मॉस्किटो, ये देखो ये जो लाइन बना रखी है ना, ये बना रखी है वाटर सरफेस और ये भी वाटर सरफेस, और यहाँ पर दोनों मच्छर का डिफरेंस बता रखा है। जो ये आपको पहले वाला दिख रहा है, इसको ध्यान से देखना कि इसकी आगे पीछे वाले जो पैर वो किस तरह है, और इसको भी ध्यान से देखो, जो कि है एनोफिली, जो कि मलेरिया को कोज करता है, लेकिन ये भी डिजीज कोज करता है, ऐसा नहीं है कि डिजीज कोज नहीं करता। तो देखो जब हम क्यूलेक्स और एनोफिलीज मच्छर की बात करेंगे, तो एक बार देखना कि जो क्यूलेक्स के जो एग्स रहते हैं वो कैसे हैं, सिगार शेप्ड होते हैं, लेकिन इसके जो एग्स रहते हैं एनोफिलीज के, वो कैसे होते हैं बेटा, बोट शेप्ड होते हैं, ठीक है। आगे जब हम बात करेंगे इन दोनों के लार्वा को, देखो देखो ये वाटर सरफेस पे कैसे रहते हैं। अगर इस लार्वा की हम बात करेंगे, बिल्कुल वाटर सरफेस पे डीप पे जा रखे, यानी कि ये बॉटम फीडर होता है, लेकिन ये आपको पानी के ऊपर ही देखता हुआ मिल जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद जो ये लार्वा रहते हैं, जब चेंज होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्यूपा। क्या नाम देते हैं, प्यूपा के नाम से जानते हैं। ये इस टाइप के रहते हैं, और ये फाइनली हैं अडल्ट्स। अगर हम इन अडल्ट्स की बात करेंगे, इसका खास फर्क क्या रहता है कि जो इसके विंग्स रहते हैं, इस पे कोई भी डार्क स्पॉट नहीं है, ये देखो, लेकिन इसके विंग्स पे हमें डार्क स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। इसकी बॉडी बिल्कुल वाटर सरफेस के पैरलर रहती है, जब ये बैठते हैं तो बिल्कुल पैरलर होके बैठते हैं, लेकिन ये लगभग 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, है ना। अब जो ये डिजीज कोज करता है, जो क्यूलेक्स रहता है, दिस कोज द येलो फीवर। बेटा तीन टाइप के मच्छर रहते हैं, एडीज, क्यूलेक्स और एनोफिलीज। एडीज तो कोज करते हैं डेंगू, देखो डेंगू और चिकनगुनिया, ये दो बीमारियां हम सब जानते हैं, तो डेंगू और जो चिकनगुनिया है वो कौन सा मच्छर फैलाता है, एडीज। येलो फीवर फैलाता है क्यूलेक्स, और एनोफिलीज के बारे में हम जानते हैं, इट कोजेज द मलेरिया। क्लियर। उसके बाद ये हनी बी का बता रखा है कि जो हनी बी रहती है, हम जानते हैं, है ना, हनी बी है, आंट्स वगैरह रहती है, जैसे कि हमने हनी बी के बारे में पढ़ा था ना 10th क्लास में, सेम यहां पर रहता है कि इनके अंदर आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है,
जो एनिमल है उसकी अलग अलग कॉलोनी रहती है और वो सब अपना काम करती हैं। कैसे? जब आंट्स की बात करेंगे तो उसकी कॉलोनी में एक तो रहती है क्वीन, ये रही। जब क्वीन की बात करेंगे, फर्टाइल फीमेल्स है, 15 साल जिंदा रहती है। चींटियों की बात चल रही है, किंग रहता है, ये भी फर्टाइल मेल होता है। वर्कर होती हैं, स्टरलाइज है, विंगलेस फीमेल्स होती हैं, सबसे छोटी होती हैं। और वर्कर का काम क्या है? देखभाल करना। और ये होते हैं बेटा सोल्जर्स। कुछ वर्कर्स मॉडिफाई होके किस में चेंज हो जाती है? इन सोल्जर्स के अंदर। तो जो हमें काटती है ना, वो कौन सी चींटियां रहती है? ये सोल्जर्स वगैरह रहती है। ठीक है, हनीबी की जब हम बात करेंगे तो हनीबी में 3 कास्ट रहती हैं, क्वीन, ड्रोन और वर्कर। क्वीन और जो वर्कर है वो तो निकल के आती है कहाँ से? फर्टिलाइज्ड एग से। और ये निकल के आती है अनफर्टिलाइज्ड एग से। ठीक है, तो जो किसको फीड करती है? रॉयल जेली को, वो तो चेंज होते हैं क्वीन में। और जो बी ब्रेड को खाती है वो चेंज होती है वर्कर और इसके अलावा ड्रोन के अंदर। चलो जी, ये स्कॉर्पियोन की इनका क्या रहता है एज फीड, फूड वगैरह भी इनको क्या किया जाता है बेटा? खाया जाता है। ये देखो ये डायग्राम, ये अपने भैंस वगैरह पे, कैटल्स वगैरह पे देखने को मिलती है। टिक माइट्स वगैरह देखी होंगी ना, रेड रेड कलर की होती हैं, कुछ वैसी थोड़ी ग्रेइश कलर की होती है। ये एरेक्निडा के अंदर आती है। उसके बाद जो अगला फाइलम आता है ये काफ़ी सिंपल है, मोलस्का। मोलस्का यानी कि वो एनिमल्स जिनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, मैरिन होते हैं, हेड है, फुट है, विसरल हम्प यानी कि इनकी बॉडी पे, जैसे कि ऊँट की बॉडी पे एक बार होता है ना हम्प, हम जिसको बोलते हैं, तो इनकी बॉडी पे भी क्या रहता है बेटा? हम्प प्रेजेंट होता है। शेल, इनको जो प्रोटेक्ट करने वाली मेम्ब्रेन होती है उसको हम नाम देते हैं शेल। एंड दिस इज रिलीज्ड बाई द मेंटल। जो मसल्स रहती हैं वो रहती हैं अनस्ट्रिप्ड, यानी कि लाइनिंग वगैरह उसके अंदर कुछ नहीं रहती। इनकी भी बॉडी कैविटी होती है, रिड्यूस होती है काफ़ी, और उसमें रहता है ब्लड, इसलिए उस बॉडी कैविटी को हम नाम देते हैं हिमोसील। बेटा जब इनके ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे तो ओपन होता है, और इनका जो ब्लड का कलर है वो होता है ब्लू, क्योंकि उस ब्लड के अंदर एक कॉपर पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोसाइनिन। जितने भी मोलस्का के अंदर एनिमल्स आएंगे उनका जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है वो ओपन होता है। लेकिन एक आती है कटल फिश, इस कटल फिश का जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो होता है क्लोज्ड। उनकी तरह रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी अलग है, किसी में क्या होते हैं? गिल्स हैं, मेंटल है, पल्मोनरी सैक। एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स इनके पास आ जाती है किडनी। ठीक है, अमोनिया को ये लोग रिलीज करती हैं। नर्वस सिस्टम अब इनका थोड़ा सा डेवलप हो गया औरों के कंपेयर में। सेक्सीज या तो सेपरेट होते हैं या टेस्टीज या गोनेट्स एक में ही रहते हैं। यहाँ मोलस्का में आपके पास जो क्वेश्चन आएगा या तो आएगा इनका ब्लड पिगमेंट हीमोसाइनिन, या आपके पास ये लार्वे के नाम आते हैं वैलीगल, ट्रोकोफोर या गोलचीडियम, इनमें से किसी एक लार्वा का नाम पूछा जाता है। मैं डायरेक्ट बता रही हूँ जो क्वेश्चन जिस फाइलम में से आता है कि इसको 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया, 6 क्लासेज है इसकी। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन आएगा आपके कॉम्पिटिशन में वो आएगा इनके लार्वा के ऊपर। इसके अलावा जैसे हम लिविंग फॉसिल करते हैं ना जिसमें कई लाखों सालों से कोई चेंज नहीं होता, मोलस्का का एक है नियोपिलिना। क्या नाम है उस ऑर्गेनिज्म का? नियोपिलिना, विच इज नोन एज द लिविंग फॉसिल। क्यों बेटा? क्योंकि इसके अंदर आज तक कभी भी कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक, तो इनका हल्का सा थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि ये क्या होते हैं, है ना। ऑक्टोपस वगैरह हम सब जानते हैं, बाकी आपको जो मेन चीज़ याद करनी है वो करनी है क्या? इनके लार्वा के बारे में। क्लियर?